नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल कुमार है। मेरा ग्रुप का नाम है एजुकेशनल लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का जनरेशन किस प्रकार आगे बढ़ा एंड कैसे कैसे इसमें चेंजेस हुए। कंप्यूटर का जनरेशन आज का मॉडर्न युग 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या क्या इसमें बदलाव हुए, कैसे कैसे चेंज किया गया। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आकार काफ़ी बड़े होते थे जिसके कारण कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा होता था। ये गर्म हो जाते थे जिसको ठंडा करने के लिए एसी का प्रयोग किया गया। 40 से लेकर 1955 तक चला, इतना पॉसिबल नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको छोटा करने के लिए सोचा गया। इसका आकार एक बहुत बड़े रूम के आकार का था, समझ लीजिए लंबाई 30 एवं चौड़ाई 20 मीटर हो, इतना बड़े रूम में फिक्स किया गया था कंप्यूटर को। इसको आकार को घटाने के लिए 2nd जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि कंप्यूटर का आकार बड़ा था, तो इसे चलाने के लिए भी बहुत सारे आदमियों की जरूरत। एसी चिप महंगा होने के कारण कंप्यूटर का दाम बढ़ा। 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेकर 65 तक चला। इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी छोटा होता था जिसके कारण कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में काफ़ी छोटा हो गया। आप लोग को खरीदना पॉसिबल नहीं था। क्या था जिसे किया गया, एसी भी महंगा मिलता था जिसके कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर भी बहुत महंगे महंगे होते थे, जिसे सबको खरीद पाना पॉसिबल नहीं था। इस समय का यह सबसे फास्ट कंप्यूटर था। फास्ट कंप्यूटर होने के कारण इसे सब लोग चलाना चाहते थे पर सब चला नहीं पाते थे क्योंकि सबके पास उतना अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सब खरीद नहीं पाते थे क्योंकि इसको खरीद। अब हम लोग जानेंगे 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से लेकर 1975 तक चला। यह अपने ज़माने का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें आईसी चिप का उपयोग किया गया। आईसी चिप महंगा मिलते थे जिसके कारण इस ज़माने में भी 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी कंप्यूटर महंगे मिलते थे। आईसी चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसमें भी मशीनरी लैंग्वेज का उपयोग होता था। खरीदने के लिए महंगे दाम देने पड़ते थे। का प्रयोग 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वोल्टेज भी कम लगता था क्योंकि इसका आकार छोटा हो गया था, साइज छोटा हो गया था, तो वोल्टेज भी कम लगता था। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में चालू करने के लिए कंप्यूटर को 1.5 लाख एसी वोल्टेज की ज़रूरत होती थी, जबकि 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऐसा नहीं था क्योंकि इसका आकार छोटा हो गया था, इसमें मशीन भी कम गए थे जिससे लोड कम गया था। एसी का प्रयोग किया गया। एसी का प्रयोग किया। अब हम लोग 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से लेकर 1989 तक चला। यह अपने ज़माने का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर हुआ करता था। में चल रहा है जो काफ़ी सुपर फास्ट कंप्यूटर हो गया है। इस जनरेशन में इंटीग्रेशन सर्किट इस जनरेशन में VLSI कंप्यूटर का उपयोग किया गया। इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल आज के जनरेशन में ULSI का कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यह आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में हर घर में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में हर घर में कंप्यूटर देखने को मिलता है क्योंकि आज का मॉडर्न युग बहुत डेवलप कर गया है। पहले का मॉडर्न युग इतना डेवलप ना होने के कारण पहले हर घर में कंप्यूटर नहीं मिलता था, पहले बेरोजगारी ज़्यादा थी। आज हर ऑफिस, हर घर, हर कार्यालय में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि अब आने वाला मॉडर्न युग में सब कंप्यूटर पर आधारित काम होंगे, इसलिए कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है।
आज मॉडर्न युग में कंप्यूटर बहुत सस्ते मिलने लगे हैं, जिसे हर लोग को खरीद पाना पॉसिबल है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। इसमें लाखों करोड़ों आईसी चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसका स्पीड काफ़ी तेज़ हो गया है। नेटवर्किंग भी बहुत फास्ट हो गए हैं, क्योंकि नेटवर्किंग भी हर जगह उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता था। पहले के ज़माने में नेटवर्क कट जाता था, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं था। तो आज के कंपनी ने इतना नेटवर्किंग सिस्टम को डेवलप कर दिया कि हर जगह किसी भी तरह का प्रॉब्लम नेटवर्क के बारे में नहीं सुनने को आता। इसलिए आगे वाला और मॉडर्निंग में उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला इससे भी बेहतर बनेगा, क्योंकि आज के ज़माने तो इतना फास्ट हो गया है। धन्यवाद। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।